भारतीय नौसेना की आन बान और शान कहे जाने वाले INS विक्रमादित्य को क्या कोई दुश्मन मारकर गिरा सकता है? तो यार सबसे पहले तो ये जान लो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं तो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को मारने की कोशिश PNS गाजी ने की थी, जो कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। तो यार ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि आज के समय में INS विक्रमादित्य को मारने के लिए भी कोई आए। तो देखो यार आज के समय में INS विक्रमादित्य हो या फिर दुनिया की किसी भी नेवी का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो, उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर दुनिया भर के खतरनाक हथियार लगे होते हैं और मारना तो दूर, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना उसके परमिशन के पास में भी नहीं आ सकता। एयरक्राफ्ट कैरियर के बगल में ऐसे बाकी जहाज चल रहे होते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर के एकदम फ्रंट के अंदर एक पनडुब्बी भी चल रही होती है जो कि न्यूक्लियर वेपन से लैस होती है। इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को चलती फिरती आर्मी कहा जाता है।